का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। ग्रीन कवर हटने से जुलूस रहा है नागपुर। सिविल लाइन्स में पुराने सचिवालय भवन के पास लगे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के फलक में तापमान दिखा 50.55 डिग्री। मंगलवार को इस मौसम में अधिकतम तापमान हुआ रिकॉर्ड। नागपुर में मंगलवार को इस मौसम का सबसे अधिकतम तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही मौसम विभाग की ओर अगले कई दिनों तक भीषण हीट वेट जारी रहने की चेतावनी भी जारी की गई। लगभग सप्ताह भर से जारी भीषण गर्मी के लिए शहर के पर्यावरणविद, क्लाइमेट चेंज और बड़ी संस्था में पेड़ों के काटे जाने के कारण शहर के ग्रीन कवर के नष्ट होने को कारण मानते हुए शहर के पर्यावरणविद शहर में जारी विभिन्न परियोजनाओं से लेकर बड़ी संस्था में पेड़ काटे जाने सहित सीमेंट रोड बनाए जाने को लेकर पर्यावरण संबंधी चेतावनी जारी करते रहे हैं। नागपुर में 2010 में हुए वृक्ष गणना के अनुसार उस समय शहर में 24,80,000 से अधिक पेड़ थे। उसके बाद से आज तक शहर में वृक्ष गणना हुई ही नहीं है। इसके साथ ही हर वर्ष कितने पेड़ काटे जा रहे हैं और कितने लगाए जा रहे हैं इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। शहर में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़ों में भी तेजी से बदलाव आ रहा है। मनपा की ओर से पिछले वर्ष जारी नागपुर एनवायरमेंट स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार शहर में निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाले भूभाग में काफी वृद्धि दर्ज हुई है। वर्ष 2005 में शहर में 55.4% भूभाग पर निर्माण कार्य हो चुका था, जो वर्ष 2017 में बढ़कर 70.3% हो चुका है। जाहिर है कि इसका असर पेड़ों की संख्या पर पड़ा है। तापमान लगातार बढ़ने के है कई कारण। शहर का ग्रीन कवर लगातार कम होता जा रहा है, लगभग खत्म होने के कगार पर है। जो पेड़ लगाए जाने थे वे भी शहर के बाहर के इलाकों में लगाए गए हैं। इसके साथ ही शहर में बने सीमेंट रोड के कारण हीट सिंक का प्रभाव उत्पन्न हो गया है। इसके साथ ग्लोबल वार्मिंग का भी असर है। नागपुर के वातावरण में हर रोज हजारों टन कोयला जलाया जा रहा है, इसका प्रभाव भी पड़ रहा है। कोयला जलाने से उत्पन्न होने वाला ताप का 30% ही बिजली में बदलता है, बाकी वातावरण में आता है। की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।